हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन में। उसमें हम देखा कि कुछ बेसिक फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर होती है जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो हम लोग पढ़ेंगे। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है, न्यूक्लियॉन्स में। अब न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, न्यूक्लियॉन्स इज इक्वल टू प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इन प्रोटोन और न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्सेस होती है उसे हम न्यूक्लियर न्यूक्लियर फोर्सेस कहते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। और इनका एक नेचर ये भी होता है कि अगर ये डिस्टेंस, अगर आप लोगों ने ऐसा ग्राफ पढ़ा होगा थोड़ा केमिस्ट्री में, ऐसे अगर कुछ करके जाता है वो ग्राफ, आप लोगों ने पढ़ा होगा ये वाला चीज कि जैसे ही ये जो आपका दिख रहा है यहाँ पे डिस्टेंस अगर बहुत ही ज्यादा कम होती है दो प्रोटोन और न्यूट्रॉन में, तो ये फोर्स रिपल्सिव होती है। ये थोड़ी थोड़ी आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो ये अचानक से अट्रैक्टिव में चेंज हो जाती है और एक पॉइंट जाके मैक्सिमम हो जाती है। फिर भी अगर आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो ये धीरे 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 घट के आपकी वो हो जाती है, क्या बोलते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स कम होने लगती है। ठीक है, तो ये बहुत ही डिपेंड करती है डिस्टेंस बिटवीन दी पार्टिकल्स। ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस भी होती है, सेम केस वही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस भी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमने कहाँ पढ़ना होगा, हमें पढ़ना होगा ये वाला। चलो ठीक है, हाँ यहां तक हमारा हो गया काम। कुछ एग्जाम्पल्स देख लो ग्रेविटेशनल फोर्सेस के। पहला एग्जाम्पल हो गया सैटेलाइट्स, जो हम उछालते रहते हैं धरती के बाहर, धरती के अंदर तो कचरा पैदा कर ही रहते हैं, बाहर भी पैदा कर रहे हैं। दूसरा बात, अर्थ सन मून देख लो, उसका कॉम्बिनेशन मून अर्थ का देख लो। ठीक है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके ग्रेविटेशनल फोर्स के। अब देखो कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। ठीक है, हमने पढ़ा कि जितने भी सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अर्थ के सरफेस पे गिरते हैं। ठीक है, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ अच्छी चीजें बताऊंगा, इंटरेस्टिंग चीजें जो इसकी हिस्ट्री को लेकर जाती है। ठीक है, इसकी हिस्ट्री जानोगे ना तो थोड़ा मजा आएगा पढ़ने में इस चैप्टर को, नहीं तो चैप्टर में है नहीं कुछ भी ऐसा कि बहुत खतरनाक चीज है। देखो, स्टडी ऑफ प्लेनेटरी मोशन में हमें क्या देखना होगा कि एक बंदा था जिसे हम लोग टोलेमी कहते हैं। ठीक है, टोलेमी कहते हैं, और दूसरा था हमारे आर्यभट्ट। ये जो टोलेमी थी इसने क्या किया कि जियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी 90 to 168 AD, समझ रहे हो कितनी पुरानी है। और जो हमारे आर्यभट्ट सर थे उन्होंने 476 to 550 CE में दे दिया था। इन्होंने क्या दिया था, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। एंड ऑब्वियसली वी आर द इंडियंस, हम लोग सही थे, वो गधा था, गलत बोला उसने। फिर आते हैं हमारे निकोलस कॉपरनिकस। ठीक है, निकोलस कॉपरनिकस जिन्होंने 1473 में 1543 AD में अपनी थ्योरी दी थी। ये बताने का चक्कर ये है कि देखो किस तरह से आप लोगों को, मतलब इंडियंस लोगों को कैसे बेवकूफ बना के पीछे छोड़ दिया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा हेलियोसेंट्रिक थ्योरी आर्यभट्ट ने कब दी थी, 476 में। कॉपरनिकस ने कब दी थी आपकी, 1473 to 1543 AD में। ठीक है, मतलब फिलहाल में ही दी थी। तो अगर आप देखेंगे तो फिर उसके बाद एक और बात आया था जिसका नाम था टाइको ब्रहे, और लास्ट में आया था हमारा गैलीलियो और जोहान्स कैपलर, सॉरी जोहान्स कैपलर। ठीक है, ये जो बंदा है ये आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, इसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ना है, कैपलर्स लॉ बोल के। ठीक है, इनके बारे में हल्का फुल्का बुक्स में दिया गया है, तो बेसिकली आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए किसने क्या बोला और किसने क्या नहीं बोला, एक आइडिया हो जाना चाहिए कि हाँ इसने ये बोला था। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोगों ने क्या हुआ था। पहले ये आया टोलेमी, इसने बोला कि जितने भी सेलिशियल ऑब्जेक्ट्स है, सेलिशियल ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, जो शाइन करते हैं या फिर रोटेट करते हैं अराउंड द सन। तो जितने भी सेलिशियल ऑब्जेक्ट्स हैं, स्टार्स हैं, सन्स हैं, वो सारे सारे क्या करते हैं, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, एंड अर्थ इज द सेंटर। आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये टोलेमी ने कहा था। ठीक है, और उसने क्या बोला कि सारे के सारे रिवॉल्व तो कर रहे हैं, एंड इट हैज टू बी इन सर्कल। इसका जो शेप होगा उसको सर्कल ही होना पड़ेगा, दूसरा नहीं हो सकता, रिवॉल्व अराउंड द अर्थ और सर्कल। ठीक है, अब उसके बाद में इसने इतने कॉम्प्लिकेटेड स्कीम्स ऑफ मोशन बताया ना कि मतलब सामने वाले को समझ में आया कि ये क्या बोल रहा है और मैं क्या समझ रहा हूँ। ठीक है, ताकि अपने आप को सही कर पाए। हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने नोटिस किया होगा ना कि कभी कभी टीचर आपसे वाइवा में, अगर आप लोगों ने तो वाइवा दी होगी इस प्रैक्टिकल्स के टाइम में, तो वाइवा में सर आप लोग से क्वेश्चन पूछते हैं तो आप लोग कॉन्फिडेंट हो कि कितने सारे गलत आंसर देते हो, कि कभी कोई टीचर भी बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि बच्चे ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा तभी इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, मुझे वो चेक कर रहा होगा। ऐसा कभी कभी करते हो ना, ताकि एक बार के लिए तो आपको सही मान लिया जाए, लेकिन बाद में आप गलत साबित हो जाते हो कि व्हेन टीचर चेक्स दी फैक्ट्स। तो उसी तरह इसने भी क्या किया, होशियार बन के सारा कॉम्प्लिकेटेड स्कीम ऑफ मोशन दे दिया बेवकूफ बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन ये गलत थी, बाद में जाकर पता चला गलत थी। फिर हमारे आर्यभट्ट सर आए, उन्होंने बोला 5th सेंचुरी AD में, उन्होंने ये बात बोली कि देखो भैया टोलेमी, देखो तुम थोड़ा सा गलत बोल रहे हो। द आंसर इज, यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो सन है,
जो हमारा सन है वो सेंटर पे है, बाकी सारे प्लैनेट्स वगैरह जो है वो सन के अराउंड गोल गोल घूम रहे हैं, और इस थ्योरी का नाम उन्होंने दिया हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। यही सेम थ्योरी कॉपरनिकस ने 1000 साल बाद दी, यही सेम की सेम थ्योरी कॉपरनिकस ने 1000 साल बाद दी, और नाम किसका हुआ? कॉपरनिकस का। नाम किसका हुआ? कॉपरनिकस का। कोई आर्यभट्ट को नहीं जानता है, कोई भी आर्यभट्ट को नहीं जानता है। तो इसी तरह से ऐसी बहुत सारी डिस्कवरीज है जिनमें इंडियंस बहुत आगे थे, लेकिन उनको उस चीज का क्रेडिट नहीं मिला। एक अगर आउट ऑफ द बॉक्स में आउट ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ चीज बताने के लिए आप लोगों को, एक पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक होता है इंडियन पॉलिटिकल पॉलिटिकल थॉट होता है, पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते पॉलिटिक्स के, तो उसमें कितने सारे हमारे जो चाणक्य जी थे जिनको आप पहचानते हो, तो ही वॉज ऑल्सो अ पॉलिटिकल इंडियन पॉलिटिकल थिंकर थे, ये भी थे, पर इनकी थ्योरी को आज तक किसी भी वेस्टर्न वेस्टर्न स्कॉलर्स जो होते हैं उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, जबकि बहुत ही अच्छी थ्योरी है और एक्यूरेट है, आप लोग सब जानते हो, यही सो फेमस। सेकेंड थिंग क्या है कि ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं इंडिया के जिनको अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है वेस्टर्न में, बोलते ही नहीं कि ऐसी इंडियन पॉलिटिकल थॉट भी एग्जिस्ट करती है कि नहीं। उनका कहना ये है, आपको पता होगा व्हाइट मैन बर्डन, अभी तो नहीं चलता है ये, बट फिर भी बहुत जगह मानते हैं इस चीज को। व्हाइट मैन बर्डन एक ऐसी थ्योरी है जो ये बात बोलती है कि जितने भी ब्लैक पीपल होते हैं, यानी कि मैं, तुम, साउथ अफ्रीकन अफ्रीकन जितने भी है हम लोग जो व्हाइट नहीं है, दे आर दी बर्डन ऑन व्हाइट मैन एंड दिस इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो हमें सभ्यता सिखाए, मैनर्स सिखाए। इसीलिए जो कॉलोनियलिज्म हुआ था, जो इंडिया को कैप्चर किया गया था, बहुत सारी कंट्रीज को कैप्चर किया गया था, वो उसी थ्योरी के बेसिस पे किया गया था। हमें ये एहसास दिलाया गया था कि हम गधे हैं और हमें वही है, अंग्रेज ही आके सब कुछ सिखा सकते हैं। तो सोच लो कि अगर आप अपनी पोजीशन, ये सब बताने का मतलब यही था कि अगर आज आप अपने आप को सेटल नहीं करते हो, एक अच्छा नहीं बनते हो, तो बाहर में बहुत सारे बंदे बैठे हैं जो आपको नोच नोच लेंगे, समझे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि पढ़ाई वढ़ाई करो, कुछ बनाओ जिंदगी में, ताकि लोग तुम्हारी सुने, तुम्हें लोगों की ना सुनना पड़े, ठीक है। तो हमने समझा कि एक जियोसेंट्रिक थ्योरी थी जो टोलेमी ने दी थी, बहुत ही बकवास थ्योरी थी कि अर्थ सेंटर पे है, सन चक्कर मारता है। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी जो हमारे आर्यभट्ट ने दी थी, उन्होंने कहा सन सेंटर पे है, बाकी सब चक्कर मारते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो डायग्राम से, आई थिंक ये सब चीज क्लियर है। आगे देख लेते हैं हेलियोसेंट्रिक थ्योरी में, ये जो अपने निकोलस कोपरनिकस है, मतलब देखो बुक्स में क्या लिखाता है, निकोलस कोपरनिकस प्रपोज हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, और जो मैंने बताया वो उन्होंने बोल दिया, ठीक है। कुछ एमसीक्यू करते हैं, बताओ इसका आंसर। चलो इसका आंसर था डी, ठीक है। तो टोलेमी वाला बंदा है, अब देखते हैं हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर, बताओ इसका। तो ऐसी कहानी भी होती है, जिसने निकाला होगा तो उसको तकलीफ होती होगी। आप देखो कि लास्ट में एक बड़ा आया जिसका नाम था कैपलर था, उसने प्लैनेटरी मोशंस को ऑब्जर्व किया और अपने कुछ लॉ डाले, और अपने उसने कुछ लॉ डाले, उसने क्या क्या लॉ डाले, देखो कैपलर ने पहला लॉ दिया, या फिर लॉ ऑफ ऑर्बिट्स भी जिसे कहते हैं। चलो यहाँ पे तीन लॉज के नाम बोले, तो पहले मैं तीन लॉज का नाम बता देता आपको। पहला लॉ लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, दूसरा लॉ लॉ ऑफ एरियाज, एंड थर्ड लॉ लॉ ऑफ पीरियड्स। इसने तीन लॉ दिए और इसी तीन लॉ के चक्कर में ये एनसीईआरटी में छप गया, ठीक है। पहले कैपलर फर्स्ट लॉ पढ़ने से पहले जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं थी, हम उनको दिखा देते हैं कि एक इलिप्स बोल की शेप होती है, जिस तरह से आपकी एक सर्कल होती है उस तरह से एक इलिप्स बोल की शेप होती है। यहाँ जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये आपका इलिप्स, ठीक है। इलिप्स में दो एक्सिस होती है, एक ये वाली और एक ये वाली। जो बड़ी वाली उसे मेजर एक्सिस कहते हैं, जो छोटी वाली उसे माइनर एक्सिस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज देखना होगा कि अगर उसी की आधी कर दो, माइनर एक्सिस की आधी कर दो तो उसे हम सेमी माइनर एक्सिस कहते हैं, और मड़े वाले की अगर आप आधा कर दो तो उसे सेमी मेजर एक्सिस कहते हैं, ठीक है। अब इसी के अंदर में दो फोकस होते हैं, यहाँ दो ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये दो फोकस होते हैं जहां पे हम लोग कह सकते हैं कि ये लाइक अ सेंटर ऑफ अ सर्कल, समझ लो कि ऐसा ही टिप। जितना इंपॉर्टेंस सेंटर का होता है सर्कल में, उतना इंपॉर्टेंस फोकस का होता है आपका एलिप्स में, ठीक है। अगर ये चीज क्लियर हो गई तो हम लोग कैपलर फर्स्ट लॉ को समझ सकते हैं। अब इसने क्या बोला कि जितने भी प्लैनेट होते हैं, ईच एंड एवरी प्लैनेट वो होते हैं, वो सन के अराउंड घूमते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट में, और जो सन है वो एक फोकस पे बैठा हुआ है। सन कहाँ बैठा हुआ है? एक फोकस बैठा हुआ, मतलब F1 या F2 किसी में बैठा दो। तो आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर किस तरह अर्थ
सन के अराउंड इलेप्टिकल ऑर्बिट पे चक्कर मार रही है और सन जो हमारा एक फोकस पे बैठा हुआ है। तो दिस वॉज द फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर एंड इसे हम लॉ ऑफ ऑर्बिट्स कहते हैं। क्यों ऑर्बिट्स कहते हैं? क्योंकि इट टॉक्स अबाउट द ऑर्बिट्स एंड व्हाट ही सेड द इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम हियर विल बी इलेप्टिकल ऑर्बिट एंड सन एट वन ऑफ द फोकस। ठीक है, देखो इसमें बहुत सारी एनिमेशन मैंने डाली है ताकि आप इमेजिन कर पाओ, ठीक है, ताकि आपको लॉन्ग टर्म याद रहे। ठीक है, अब देखो यही अगर वो तो आपको मैंने एक एनिमेशन टाइप में दिखा दिया, अगर मैं इसको इस तरह से दिखाऊं, सन फोकस से बैठा, अर्थ यहां बैठा हुआ है, ये जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है ना सन की और अर्थ की, ये डिस्टेंस है आर, ये डिस्टेंस है आर। और आप लोग को पता होगा, अच्छा मैं वापस इस एनिमेशन के पास आता हूँ, आप लोग देख सकते हो कि अभी अर्थ, कभी अर्थ बड़ी दूर हो जाती है सन से और कभी अर्थ बहुत ही नजदीक हो जाती है सन से। ठीक है, तो यही सब चीजों की वजह से क्या होता है, हमारे सीजनल चेंजेस भी आते हैं। नॉट ओनली पर्टिकुलरली फॉर दिस, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी अर्थ है वो अपने ओन एक्सिस से झुकी हुई है, अपनी ओन एक्सिस से क्या है, झुकी हुई है। और हमें यह बात पता होना चाहिए कि ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर होता है। तो मान लेते अगर अर्थ हमारी ऐसे झुकी हुई है तो अभी जो सन की जितनी भी रेज है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे आती है तो हमारे यहाँ पे गर्मी होती है, समर सीजन होता है। ये जब घूम के इस तरफ आती है तो आपको देखना, देखने में अचंभा हो जाएगा, जब ये घूम के इधर आएगी तो आपका साउदर्न हेमिस्फीयर ऊपर हो जाएगा, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पीछे की तरफ झुक जाएगा, साउदर्न हेमिस्फीयर इस तरफ आ जाएगा और सन की रेज जो वो यहाँ गिरेगी यानी कि साउदर्न में गिरेगी, और तब क्या होगा कि आपके नॉर्थ में गर्मी होगी और साउथ में ठंडी होगी। कोई दिक्कत, मतलब उल्टा हो जाएगा, जो भी मैंने पता नहीं क्या बोला, सन हो गया और ये अर्थ हो गया, ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं आर। क्या कहते हैं? आर। ठीक है, अब एक कुछ एक चीज आती है, ठीक है, पेरिहेलियन एंड पेरिगी, मींस पेरिहेलियन एंड पेरिगी, ये वो पोजीशन होती है सन की और अर्थ की जब सन और अर्थ नजदीक होते हैं, और एक एपिहेलियन होता है जब सन और अर्थ एक दूसरे से बड़ी दूर होते हैं। ठीक है, अब इसको याद करें, देखो जब मैंने प्रिपरेशन मोड पे था मैं यूपीएससी के, तो मुझे याद करने में हमेशा कंफ्यूजन होता था, तो उसका मैंने एक शॉर्टकट निकाला, पी फॉर पास, मतलब सन और ये पास पास होंगे। अगर पेरिहेलियन समझ में आ गया तो एपिहेलियन अपने समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इसे जो पेरिहेलियन या फिर पेरिजी है, इसे हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, सिमिलरली हमारा जो एपिहेलियन या अपोजी होता है वो क्या होता है? ग्रेटेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन। चलो इसका आंसर बताओ, देख लेते हैं, इसका आंसर होगा ए, लॉ ऑफ ऑर्बिट दिया था। चलो इसका आंसर बताओ, देख लेते हैं, टू का बी, वेरी गुड। अब देखो सेकेंड लॉ को पढ़ा जाए, ठीक है, सेकेंड लॉ को पढ़ने से पहले एकदम दिमाग को शांत कर लो, कि आसान सा लॉ है, कुछ भी इसमें है नहीं, लेकिन प्यार से समझेंगे। देखो हमारा सन होगा, हो गया एक तरफ, और एक हमारा प्लैनेट हो गया एक तरफ, ठीक है, दोनों के बीच में एक रेडियस है। अब ये सन अर्थ क्या हो रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी में ट्रेवल कर रहा है, देख रहे हो आप? ठीक है, तो इसने क्या किया, ये पर्पल कलर का एरिया स्वाइप किया, मतलब इनिशियल पोजिशन ऑफ द अर्थ एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द अर्थ के बीच में जो एरिया बना है वो ए दिख रहा है। ठीक, अब बात को समझो, मैं फिर से बता देता हूं, देखो मेरा अर्थ का अर्थ पहले यहां था, इन टाइम टी वो इस पोजीशन से इस पोजीशन में चला गया, जब वो इस पोजीशन में जाता है तो उसने एरिया स्वैप्ट किया है इतना। ठीक है, कोई बात नहीं सर, ठीक है, फिर क्या होता है कि कुछ दिन बाद मेरी अर्थ जो है उसकी सेकेंड पोजिशन आपको दिख रही होगी, ये वाली यहां आ गया। अब वो सेम टाइम लेता है और वो इस पोजीशन पे आ जाता है, और एरिया कितना बना, ये वाला A2। ठीक है, अब केपलर ने क्या बोला कि क्योंकि A1 एरिया को कवर करने के लिए और A2 एरिया को कवर करने के लिए टाइम सेम है, इसीलिए आपकी जो एरिया रहेगा A1 और A2 वो भी सेम ही रहेगा। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ एरियाज। देखो
देखो मान लेते हैं मैं यहां पे हूं, मतलब ये प्लैनेट यहां पे है, ठीक है। आपने 1 महीने बाद देखा कि अर्थ, 1 महीने बाद यानी कि 30 डेज बाद देखा कि अर्थ मूव करके 30 डेज बाद यहां आ गई, ठीक है। तो आपने इसका वो बना लिया, सेक्टर ले लिया, सेक्टर ऑफ दिस सर्कल, और फिर देखा यार ये इतना एरिया आ रहा है पर्पल कलर में, जो एरिया है A1, अर्थ ने 30 डेज में इतना एरिया स्वेप किया, इतना एरिया, ठीक है। फिर क्या किया कि 6 महीने बाद देखा अर्थ की नई पोजीशन आ गई, और फिर से 1 महीने बाद अर्थ यहां से ट्रैवल करके यहां आ जाती है, और उसने जो एरिया स्वेप किया है वो A2 है। तो केपलर ने बोला कि देखो भाई A1 को कवर करने में अर्थ को कितना टाइम लगा, मैंने बोला 1 महीना। फिर केपलर ने बोला A2 कवर करने के लिए अर्थ को कितना लगा, तो मैंने बोला फिर से 1 महीना। तो बोला क्योंकि दोनों ही कवर करने के लिए इसको 1 महीने का टाइम लगा है, इसलिए मैं ये बोल सकता हूं, उसने डिराइव किया, पर हम लोग मानेंगे कि उसने ये डिराइव करके प्रूव करके दिखाया कि सिंस A1 कवर करने के लिए 30 डेज लगे, A2 कवर करने के लिए 30 डेज लगे, यानी कि A1 कवर करने के लिए सेम टाइम लगा, A2 कवर करने के लिए सेम टाइम लगा, इसीलिए एरिया A1 विल बी इक्वल टू एरिया A2, एंड दिस इज कॉल्ड द एरिया ऑफ, लॉ ऑफ एरिया। अब इसमें से एक क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, बोलो, आपको पूछेंगे तो नहीं, फिर भी समझ लो कि ये जो गोल गोल घूम रहा है ऐसा जो हो रहा है, ये जो एरिया इक्वल हो रहा है, केपलर ने किस बेसिस पे बोला होगा। केपलर ने ये बात बोली ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बेसिस पे उसने ये बात कही थी, ठीक है। तो ये बात हमें पॉइंट एकदम अच्छे से याद रखनी है, भूलना नहीं है। केपलर वाला क्या बोला, इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। चलो आगे देखते हैं। अब हमें ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट कहानी ये है कि मतलब ये हमारे लिए एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये बात जानना कि जो एंगुलर मोमेंटम वाले जो कंडीशन है, एंगुलर मोमेंटम वाली जो कंडीशन है, एल इक्वल्स टू एम इंटू वी इंटू आर, जब अपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था, और भी डिटेल में इसको हम लोग पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन में। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम वाली कंडीशन है, ये हर तरह की कंजर्वेटिव फोर्सेस पे एप्लीकेबल होता है, कंजर्वेटिव फोर्सेस पे एप्लीकेबल होता है। अब व्हाट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो कंजर्वेटिव फोर्स को डिफाइन करने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है। एक तो उसे हम लोग सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं, ठीक है, और दूसरा उसको हम लोग दूसरे तरीके से करते हैं, लेकिन अभी हम लोग उस तरीके में नहीं जा रहे। जब हम लोग वर्क डन जो क्लास 12 का वो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला चैप्टर पढ़ेंगे, वहां मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से वो आपकी सेंट्रल फोर्स है, फिर कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। फॉर द टाइमिंग आप याद रखो कि सेंट्रल फोर्सेस वो फोर्सेस होती है जो दो ऑब्जेक्ट को सेंटर से कनेक्ट करती है और उसके वहां पे अलोंग एक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी शो यू द एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या होता है ग्रेविटेशन में, आप बोलते हो कि ये सन हो गया, मैंने बोला हाँ हो गया, ये अर्थ हो गया, आपने बोला हाँ हो गया, इसका सेंटर कहाँ है, आपने बोला यहाँ है, इसका सेंटर कहाँ है, आपने बोला यहाँ है। तो ये दोनों सेंटर को जो लाइन ज्वाइनिंग करेंगे, तो जो फोर्स होगी वो अलोंग दिस लाइन ही एक्ट करेगी, मतलब सन अर्थ को इस तरफ खींचेगा और अर्थ सन को अपनी तरफ खींचेगा। सो दिस इज व्हाई दैट इज दिस इज कॉल्ड दिस सेंट्रल फोर्सेस। अब आगे देख लेते हैं, अब हम लोग उसको थोड़ा प्रूफ करने की कोशिश करते हैं लॉ ऑफ एरिया को, ठीक है। देखते हैं हमने क्या किया, मान लिया कि एक प्लैनेट है जो मूव करेगा इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में फ्रॉम पोजिशन A टू B। पहले वो ए पे था, फिर वो बी पे चला गया, ठीक है। जब वो ए से बी में गया तो उसको कुछ टाइम लगा होगा, जब वो ए से बी में गया तो उसको कुछ टाइम लगा होगा, आपने बोला बिल्कुल लगा होगा, वो टाइम हमारा डेल्टा टी, वो टाइम हमारा क्या है, डेल्टा टी। फिर हमने क्या किया, इस आर्क की लेंथ निकाल ली, आपने बोला कैसे निकाल ली सर, हमें पता है थीटा इक्वल टू एल बाई आर, हाँ पता है, तो एल इक्वल टू थीटा इंटू आर, हाँ पता है, यहाँ पे देखो आर इंटू डेल्टा थीटा, वेरी स्मॉल एंगल डेल्टा थीटा, ठीक है। बोले ठीक है सर, निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसका अगर एरिया निकालने जाओगे तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, आर इंटू आर डेल थीटा। अब ये कैसे आया, मैथ्स में जाना पड़ेगा, उतना हमारे जरूरत नहीं है मैथ्स में जाना। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा हाफ आर स्क्वायर डेल थीटा, ठीक है। और यहां पे अगर आप टाइम के रेस्पेक्ट में उसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे डेल्टा ए, और या फिर टाइम से डिवाइड ही कर दो, डिफरेंशिएट छोड़ो, तो यहाँ पे डेल्टा टी आएगा और यहाँ पे भी डेल्टा टी आ जाएगा, ठीक है। तो आपने बोला
डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू हाफ आर स्क्वायर और यहां पे आ जाएगा हमारा ओमेगा। ठीक है, अब हमें क्या पता है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट क्या होता है, एम वी आर, एम वी आर, एल इक्वल्स टू एम वी आर, बट वी इक्वल्स टू आर ओमेगा पढ़ा है हमने, सो एम आर ओमेगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा आ गया। यहां से ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, एल एम आर स्क्वायर, आपने बोला आएगा, जरूर आएगा, क्यों नहीं आएगा, तो वहां पे जो ओमेगा था उसके बाद हमने एल अपॉन एम आर स्क्वायर पर पुट कर दिया, सॉल्व किया तो आर स्क्वायर कट गया, तो एल अपॉन टू एम आ गया, एल अपॉन टू एम आ गया। अब आपको पता है यार एल कॉन्स्टेंट, टू एम मास कॉन्स्टेंट, सब तो कॉन्स्टेंट ही है, यानी कि डी ए बाई डी टी जो रहेगा वो भी कॉन्स्टेंट रहेगा, यानी कि एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी, टाइम टेकन टू कवर पर्टिकुलर यूनिट एरिया इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, या फिर एरिया कवर्ड इन यूनिट टाइम इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, यही है आपका इसका डेरिवेशन। अब देखो इस फॉर्मुला का इंपॉर्टेंस क्या है और ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंस क्या है, एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हमें पता चल गया था, अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एल इक्वल्स टू एम वी आर, यानी के ऐसे लिख सकते हैं वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। हाँ यहां देखो, यहां पे हमें क्या पता चला कि वेलोसिटी ऑफ अर्थ एट एपिहेलियन, velocity of earth at aphelion is less than the velocity of earth at perihelion, ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है। आप मान लो vp और a जो दिया हुआ है यहाँ पे, a और v जो दिया हुआ है वो perihelion और aphelion का पोजीशन है। मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ, ये मेरा सन अर्थ है, ये सन है, ये मेरा अर्थ है, ये हो गई मेरी पास perihelion, ये जो दूर वाली है ये हो गई मेरी aphelion, ठीक है। तो क्योंकि हमें पता है दोनों का एंगुलर मोमेंटम बराबर बराबर होने का है, तो आप लिख सकते हो एम वी पी आर पी इक्वल्स टू एम वी ए आर ए, जहां से हमें पता है मास कांस्टेंट है और यार ये भी बराबर बराबर कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब जहां रेडियस बड़ा होगा, जहां रेडियस बड़ा होगा वहां पे वेलोसिटी को कम होना पड़ेगा, जहां रेडियस छोटा होगा वहां पे वेलोसिटी को ज्यादा होना पड़ेगा, तो ये डेरिवेशन से हमें ये चीज समझ में आई, ठीक है। अब एग्जाम के लिए हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बस यही पॉइंट है, पूरा डेरिवेशन समझने के बाद हमें ये जो लिखा हमने कंक्लूजन, यही चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और लॉ का जो स्टेटमेंट है वो इंपॉर्टेंट है, और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बट ये समझाने के लिए हमें वो लॉ को समझना पड़ा था। आंसर बोलो। अच्छा, अब देखो हम लोग पढ़ते हैं केपलर्स थर्ड लॉ के बारे में, कौन से लॉ के बारे में दोस्त, थर्ड लॉ के बारे में, जो कि इसका आखिरी लॉ है, समझते हैं बात को, ठीक। अब इसने क्या बोला कि ये देखो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, एक प्लैनेट है और एक सन है और ये गोल गोल एंड घूमिंग एंड घूमिंग, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है, तो उसने क्या बोला कि एक चक्कर मारने के लिए जो टाइम पीरियड होता है, मतलब प्लैनेट ये जो एक बार राउंड मार के आएगा, देखो यहाँ पे ये जो एक चक्कर मारने में से जो टाइम लगा उसे हम लोग टी से डिनोट करते हैं, उसने बोला कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट्स, और फिर इसको जब सॉल्व करते हैं हम लोग तो हमें ये पता चलता है टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज द कांस्टेंट, और एक बात ध्यान रखना कि आर जो है वो सेमी मेजर एक्सिस है, सेमी मेजर एक्सिस है, ठीक है, जनरली। अब ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि एग्जामिनेशन में मैंने एक बार देखा था शायद ऐसे पर्टिकुलर कोई इंस्टीट्यूट का ही टेस्ट था, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि एग्जाम में आया हुआ था, तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया टू मेक स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड, उन्होंने क्या किया, दे सेड कि इंस्टेड ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन, दे सेड कि द सेमी मेजर एक्सिस का जो होता है वो आर होता है, ठीक है। तो वहां पे क्या था कि एक्चुअल में बुक्स में तो यही लिखा है कि सेमी मेजर एक्सिस, उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला, बट वो डिस्टेंस वाली को चेंज करके उन्होंने सेमी मेजर एक्सिस बोल दिया, और वहां पे मैंने एक चीज नोटिस की कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने उस क्वेश्चन को गलत किया और अटेम्प्ट ही नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि उनके हिसाब से सेमी मेजर एक्सिस तो ये वाली थी, प्लैनेट तो अब इधर पहुंच गया, अरे भाई ये और ये सेम ही चीज तो है, ठीक है, वो इस चीज को समझ नहीं पाए, तो इसलिए मैंने भी अपनी पीपीटी में थोड़ा सा अपडेट कर दिया कि आर इज द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन बोलेगा तो आप फट कर पकड़ लोगे, ये चीज बोलेगा तो शायद ना पकड़ पाओ, इसलिए मैंने इसको अपडेट मार दिया, ठीक है। तो आर इज सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलेप्टिकल ऑर्बिट, आगे देखते हैं। अब देखते हैं यहां देख लो कि हमें पता है कि सारे प्लैनेट्स जो होते हैं वो इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं,
टी हो गया मान लेते टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, एक चक्कर मारने के लिए कितना टाइम लगता है, टी, ठीक है। और आर जो है वो सेमी मेजर एक्सिस है, ठीक है, उसने ये बात बोली, इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसी चीज को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, इसे वो कहता था लॉ ऑफ पीरियड या फिर हार्मोनिक लॉ, हार्मोनिक लॉ, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, आंसर प्लीज। चलो ठीक है, आंसर प्लीज। चलो यहाँ पे हमारी पहली पीपीटी खत्म होती है, मतलब हमने केप्लर्स लॉ खत्म